एक बार की बात है, बहुत बहुत जोर की बारिश हो रही थी और एक बंदा जो है वो फंस गया था बारिश में, ओके, और उसके साथ उसकी माँ और उसकी बीवी फंस गई थी। अब बारिश में डूब रहे, बह रहे हैं वो लोग, यस, बारिश में डूब रहे हैं। अब वो कंफ्यूज, मेरी मम्मी भी डूब रही है पानी में, बीवी भी डूब रही है, मैं किसको बताऊं, बचाऊं बीवी को, बचाऊं या मम्मी को बचाऊं। परेशान हो गया, उसको दोस्त को बोला, यार मैं क्या करूं, किसको पहले बचाऊं, मम्मी को? बोला, अरे तू तेरी अपनी मम्मी को बचा, तेरी बीवी को तो कोई भी बचा लेगा। समझ रहे हो ना, तू मम्मी को बचा। फिर क्या हुआ, बीवी और मम्मी दोनों बच गए, उसने अपनी मम्मी को बचाया, किसी और ने बीवी को बचा दिया बाढ़ में डूबने से। फिर वो रात को भटक गया एंड बोला, क्या करूं, अंधेरी सुनसान सड़कों पे, बोला बारिश बहुत तेज हो रही है, अब मैं कहां रुकूं, रात को अपने घर तो पहुंचा ही नहीं, तो बोले क्या करूं। तो उसने वहां पर बस्ती में एक दरवाजा टकटकाया, अंकल जी बाहर आए, बोले क्या हुआ, बोले कि मुझे रात गुजारनी है, बारिश बहुत तेज है। अंकल जी ने एक चाटा लगाया, अरे भाई तुझे रात गुजारनी है, बहु बेटियों का घर है, यहाँ तो रहने दूंगा तुझे। अब वो बेचारा रोने लगा, रहे परेशान हो गया, बोले क्या करूं, दूसरे घर पे गया, बोला बारिश बहुत तेज है, कहां रुकूं, अपने घर तो गया नहीं। बोले ठीक है, बाजू वाले के घर पे गया, उसको टक टक किया, वो बाहर आया, अंकल, बोले क्या हुआ, बहुत भीग रहा हूं, बारिश है। बोले क्या है, मुझे अंदर रहने दे। बोले क्यों, मुझे रात गुजारनी है। फिर एक, तुझे पता नहीं बहू बेटियों का घर है, चमार बजा दिया। बोले क्या हुआ, तीसरे घर पे गया, जाने के पहले अंकल को बोला, आप मुझे मारे क्यों? बोले तुझे पता नहीं बहू बेटियों का घर है, तो मैं पूछूं क्या, मुझे रहना है बारिश में, भीगना नहीं है, मुझे कुछ बताओ, मैं क्या पूछूं सबको? बोले पहले कंफर्म कर, बहू बेटियों का घर तो नहीं है, फिर पूछ। बोले ठीक है, तीसरे घर पे गया, नॉक नॉक, अंकल जी बाहर आए, बोले क्या है, क्या ये बहू बेटियों का घर है? अंकल बोले हाँ, क्या हुआ, मुझे रात गुजारनी है। गिरा गिरा के बहुत मारे। तो भाई किस तरह से किसी को कन्विंस करना है वो सीख लो, कुछ भी बोलते हैं उसका मतलब अलग हो जाता है। चलो इसके साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे लिमिट चैप्टर के ऊपर, देखो बोलना है तो लिमिट में बोलना है, सोच समझ के बोलना है कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं तो बहुत तेज पिटाई हो सकती है। समझ में आया। तो भाई लिमिट में रहेंगे हम लोग और लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आ गए मेरे लल्ले, ओ मेरे जिगर के छल्ले, आ गए तुम, चलो चलो।